डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल फ्यू कंसेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट इन दिस सेशन द सिंबल जी विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ ग्रुप. और बाकी आप सिंबल जानते हैं, सब ग्रुप के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए. सो लेट्स रिकॉल फ्यू रिजल्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दैट इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन इफ वी टेक एन एलिमेंट ऑफ दिस सब ग्रुप ऑफ subgroup H, then left coset of H with U will be equal to H, and if left coset of H with U is equal to H, then the element U must belong to H. Secondly, if H is subgroup of G, then H square is equal to H. H square means H multiplied with H. And thirdly, if N is a normal subgroup of G, then the quotient group G factor N has N as its identity element. So it is very important to note that identity element of quotient group G factor N is N. Let's recall what is binary operation in G factor N. Binary operation in G factor N is given as left coset xn multiplied with left coset yn is equal to left coset product of xy and then left coset of n with this product xy. So this is binary operation in G factor n. xn multiplied, let's call it multiplied, xn multiplied with yn is equal to xy, left coset of xy with n. Let's recall that we are using convention of juxtaposition for binary operations. ये बात हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी कि दो ग्रुप्स के बाइनरी ऑपरेशंस डिफरेंट हो सकते हैं. किसी एक ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन मुमकिन एडिशन हो, दूसरे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन मुमकिन मल्टीप्लिकेशन हो. इसके अलावा भी बाइनरी ऑपरेशंस हैं, लेकिन हम बाइनरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जक्स्टापोजिशन की कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं. इसके माने ये हैं कि हम दो एलिमेंट्स के दरमियान बाइनरी ऑपरेशन को लिखते नहीं हैं, लेकिन हमें पता होता है कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मौजूद है. तो वो चीज़ हमेशा हमारे जहन में होती है. जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, हम बाइनरी ऑपरेशन को ज़ाहिर नहीं कर रहे होते. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ
ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन। सो लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ग्रुप जी टू ग्रुप जी डैश इज कॉल्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन जो है ना वो ये है कि फंक्शन को ग्रुप जी के बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करना चाहिए। सो व्हाट डज दिस मीन, लेट्स राइट इट। इसके माने ये बनते हैं कि अगर आप ग्रुप जी के कोई दो एलिमेंट्स ले लें एक्स और वाई और उनको जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत आपस में कंपोज कर लें, हम मल्टीप्लिकेशन कह लेते हैं, तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें। हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं ये वर्ड, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के माने हम वो मल्टीप्लिकेशन नहीं लेते जो ट्रेडिशनली आप जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन माने यहाँ ये है कि जो भी इस ग्रुप जी का बाइनरी ऑपरेशन है उस बाइनरी ऑपरेशन को एक्स और वाई दोनों एलिमेंट्स पर आप अप्लाई कर दीजिए। सो एक्स वाई हैविंग अप्लाइड दैट बाइनरी ऑपरेशन एफ इमेज ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। सो दिस इज कंडीशन फॉर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, दैट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व द ग्रुप स्ट्रक्चर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को और इनवर्सेस को प्रिजर्व करते हैं। सो लेट एफ फ्रॉम जी इंटू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन, अगर आप इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को ग्रुप जी के आइडेंटिटी एलिमेंट ई पर अप्लाई करें तो ग्रुप जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश रिजल्ट आएगा। सो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स प्रिजर्व आइडेंटिटीज, प्रिजर्व आइडेंटिटी एलिमेंट इनफैक्ट, बिकॉज देर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ अ ग्रुप। सिमिलरली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स प्रिजर्व इनवर्सेस। सो लेट्स राइट दैट दिस रिजल्ट एज वेल, लेट एफ फ्रॉम जी इंटू जी डैश be a group homomorphism then inverses को preserve करने के माने ये हैं कि अगर आप group g का कोई element x ले लें और इस x element x का inverse लें और इस x inverse पर आप group homomorphism f को apply करें, फिर आप इस एलिमेंट x पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को अप्लाई करें एफ एक्स और इस एफ एक्स का इनवर्स ले लें जो कि g प्राइम g डैश में होगा, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर होंगे। सो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स प्रिजर्व इनवर्सेस। एंड नेक्स्ट, a group homomorphism which is one to one is called monomorphism, a group homomorphism which is onto is called epimorphism, and a group homomorphism which is
वन टू वन एज वेल एज ऑन टू इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. सो लेट्स राइट दीज कंडीशंस. अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F from G into G dash is called monomorphism. इसे हम सिर्फ मोनो भी कह लेते हैं. इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म इफ एफ इज वन टू वन. तो वन टू वन होमोमॉर्फिज्म जो है वो मोनोमॉर्फिज्म कहलाते हैं. अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी इंटू जी डैश इज कॉल्ड एपिमॉर्फिज्म. एपिमॉर्फिज्म को हम सिर्फ एपी भी कह लिया करते हैं फॉर ब्रीफ इफ एफ इज ऑन टू. तो जो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होगा दैट इज कॉल्ड एपिमॉर्फिज्म. और एक ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो मोनोमॉर्फिज्म भी हो और एपिमॉर्फिज्म भी हो इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. सो अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F from G to G dash is called isomorphism. If F is mono as well as epi. अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म भी हो और एपीमॉर्फिज्म भी हो देन दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. सो लेट्स नोट अ पर्टिकुलर थिंग दैट इफ जी एंड जी डैश आर ग्रुप्स सच दैट there exists an isomorphism f from g on to g dash then. अगर दो ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए तो देन दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक. देन वी से दैट जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक. और इसे लिखने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है कि हम लिखते हैं G is isomorphic with G dash. तो ये बात नोट कर लीजिए कि अगर हमें प्रूव करना हो कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं तो हमें उन दोनों के दरमियान एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश करना पड़ता है जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो. Now let's recall the definition of kernel of a group homomorphism. So kernel of a group homomorphism
सो लेट एफ फ्रॉम जी ऑन इन टू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स एक्स बिलोंग टू जी सच दैट कि इन ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जिन पर हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को अप्लाई करें तो ग्रुप जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट आए. इन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो है ना, दिस इज कॉल्ड कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. सो दिस इज कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ एफ. और कर्नल से मुतल्लिक कुछ रिजल्ट्स आप जानते हैं कि हमने ये बातें प्रूव कर रखी हैं कि लेट नंबर वन, कर्नल जो है वो डोमेन वाले ग्रुप का सब ग्रुप होता है और कर्नल इनफैक्ट डोमेन वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है. वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग इन आवर प्रीवियस सेशंस. लेट एफ from G into G dash be a group homomorphism then पहली बात तो यह है कि ये जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F है इसका kernel, kernel हमने ऊपर define किया है. kernel of F is सब ग्रुप ऑफ G. ये जो डोमेन वाला ग्रुप जो है ना, ये इसका सब ग्रुप होता है. एंड सेकेंडली इनफैक्ट कर्नल ऑफ एफ जो है ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कर्नल ऑफ एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, बिकॉज अगर आपको किसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप दे दिया जाए तो फिर आप उस ग्रुप का कोशेंट हासिल कर सकते हैं उस नॉर्मल सब ग्रुप के रेफरेंस से. सो इफ़ यू आर गिवन अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन यू कैन डिफाइन कोशेंट ग्रुप. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कर्नल इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. सो वी कैन डिफाइन कोशेंट ग्रुप ऑफ जी with this particular normal subgroup which is kernel of F. हमने किसी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का इमेज भी डिफाइन किया था. सो लेट्स डिफाइन दैट, लेट्स रिकॉल दैट डेफिनेशन. सो लेट F फ्रॉम G इंटू G डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन. अभी अब यूं करेंगे, ग्रुप जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स पर इस होमोमॉर्फिज्म एफ को अप्लाई कर लीजिए. एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी. सो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स पर इस होमोमॉर्फिज्म को अप्लाई कर लीजिए. ये जो सेट बनेगा ये जी डैश का सबसेट होगा. दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ जी. इसे हम एफ जी भी लिख लिया करते हैं और कभी कभी हम इसे इमेज एफ भी लिख लिया करते हैं. इमेज एफ इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जी. एंड वी नोट दैट, एंड वी नोट दैट, ये चीज़ हम बाकायदा प्रूव कर चुके हैं कि ये जो इमेज एफ जी है ये सब ग्रुप होता है जी डैश का. को डोमेन में जो ग्रुप है एफ जी उसका सब ग्रुप होता है. आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में एपी मोनोफैक्टराइजेशन की थी. एंड दिस गोज एज फॉलोज, एपी मोनोफैक्टराइजेशन.
सो लेट एफ फ्रॉम जी इंटू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन। अब देखिए इस तरह से है कि ये फ्रॉम जी टू जी प्राइम ये तो हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है एफ, और एफ जी जो है वो इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का इमेज है, जी का इमेज या डेफिनेशन आपने देखी है ऊपर, एफ जी इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम। तो आप जी से लेकर एफ जी तक ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट एग्जैक्टली वही होगा जो कि एफ का इफेक्ट है, लेकिन चूंकि कोडोमेन डिफरेंट है तो हम यहाँ पर एफ नहीं लिखते, एंड दिस इज ऑलवेज एन एपीमॉर्फिज्म, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, सो दिस इज एपी। अब एफ जी जो है वो ये चूंकि जी डैश का सब ग्रुप है, तो यहाँ से आप यहाँ तक इंक्लूजन मैप डिफाइन कर सकते हैं, जिसे आप मोनो लिख लीजिए मोनो, और इसके लिए सिंबल हम अक्सर ये यूज़ किया करते हैं, सो दिस इज एपी मोनो फैक्टराइजेशन। अलजेब्रा में हमें अक्सर कुछ फंक्शंस को वन टू वन या ऑन टू प्रूव करना पड़ता है, तो इसके लिए बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं सिर्फ रिकॉल करने लगा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद आ जाए, ये चीज़ें आपने एफएससी में पढ़ी होती हैं, सो लेट्स रिकॉल दैट। टू प्रूव दैट अ मैप, ये टर्म मैप जो है ना ये भी होमोमॉर्फिज्म के लिए ही इस्तेमाल होती है, तो टू प्रूव दैट अ मैप एफ फ्रॉम जी इनटू जी डैश इज मोनोमॉर्फिज्म ये प्रूव करने के लिए कि कोई मैप या कोई होमोमॉर्फिज्म जो है वो मोनोमॉर्फिज्म है, हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, वी टेक एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, इस तरह से ये हम एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं कि इन दोनों पर एफ का इफेक्ट जो है वो आपस में बराबर हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एंड देन establish that or then prove that and then establish that x is equal to y, so this is very important thing to note, prove agar ye prove karna ho ki koi group homomorphism jo hai wo monomorphism hai, तो आप डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ऐसे लेंगे जिन पर एफ का इफेक्ट आपस में बराबर हो और प्रूव करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हैं, सो दिस इज द वे वी प्रूव दैट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज मोनोमॉर्फिज्म। इसी तरह से अगर प्रूव करना हो कि कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है वो एपीमॉर्फिज्म है, लेट्स सी हाउ वी डू दैट। To prove that a map, map ज़रा छोटा लफ्ज़ है और आप ज़रा एक नई टर्म भी सीख लेंगे, this means homomorphism. To prove that a map F from G into G dash is epimorphism. We take इस
होमोमॉर्फिज्म को एपीमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम कोडोमेन वाला जो ग्रुप है उसका एक एलिमेंट ले लेंगे, वी टेक एनी ए बिलोंगिंग टू जी डैश एंड इस्टेब्लिश दैट। तो हम को डोमेन वाले ग्रुप का एक एलिमेंट ले लेंगे और हम प्रूव करेंगे कि डोमेन वाले ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट एक्स है जिसका एफ इमेज ए आता है एंड इस्टेब्लिश दैट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए। सो दिस इज इन फैक्ट प्रोसीजर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज प्रोसीजर्स कि अगर आपको एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए तो उसे मोनोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करना है और उसे एपीमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करना है। लेट्स कम टू अ वेरी स्पेशल फंक्शन विच इज कॉल्ड कैनोनिकल मैप। कैनोनिकल मैप, इसे नेचुरल मैप भी कहते हैं और नेचुरल मैप। सो लेट्स हैव अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप। एंड ये सिम ये लेट जी बी अ ग्रुप एंड एन बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देन द क्वेश्चन ग्रुप इज रिटन एज, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो जी फैक्टर एन जो है ये एक ग्रुप होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमने अभी अभी डिस्कस किया है। सो देन दिस इज कोशेंट ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर नॉर्मल सब ग्रुप एन। वी हैव अ वेरी स्पेशल फंक्शन, वी हैव अ फंक्शन इस फंक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ईटा के साथ ईटा, और ये फंक्शन ग्रुप जी से लेकर क्वेश्चन ग्रुप जी फैक्टर एन तक डिफाइन की जाती है और दिस फंक्शन इज गिवन बाय इस फंक्शन ईटा का ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट एक्स पर इफेक्ट जो है वो ये होता है कि ये इसी एलिमेंट एक्स के रेफरेंस से एन का लेफ्ट कोसेट के साथ जाकर ये एक्स को असाइन करती है। सो ईटा एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट एक्स एन, ईटा वाई विल बी इक्वल टू लेफ्ट कोसेट वाई एन। सो दिस इज द फंक्शन ईटा विच इज कॉल्ड कैनोनिकल फंक्शन और नेचुरल फंक्शन। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इज अ मैप वी हैव टू इस्टेब्लिश दैट दिस इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो लेट्स डू दैट। So let's have a proposition. Proposition. So let G be a group. Let G be a group. And N be normal subgroup of G. Then the map, then the function eta from G to G factor N is we have to prove that
ईटा इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म So first of all, we will prove that eta is group homomorphism, and secondly, we will prove that eta is epimorphism. So eta is group homomorphism. Second, eta is epimorphism. And thirdly, we will establish that kernel of eta is equal to n. Kernel of eta is equal to n. So let's have the proof. तो मैं इस फंक्शन को दोबारा लिख देता हूँ. We know that ये फंक्शन ईटा जो है ग्रुप जी से लेकर जी फैक्टर एन तक इज डिफाइंड एज, इज गिवन बाय, ये बात हम जानते हैं कि दिस फंक्शन इज गिवन बाय ईटा का जो किसी एलिमेंट एक्स पर इफेक्ट होगा वो इसी एक्स का एन के साथ लेफ्ट कोसेट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट this function is group homomorphism. So for that purpose we take two elements from the group G. So let x y belong to G. Then अब इन दोनों एलिमेंट्स x और y को आपस में ऑपरेट कर लीजिए जो भी बाइनरी ऑपरेशन उसके तहत. सो और इसे हम प्रोडक्ट कह लेते हैं. इस एक्स वाई पर हम ईटा को अप्लाई करते हैं. अब देखिए ईटा की डेफिनेशन ये है कि आप जिस एलिमेंट पर भी ईटा को अप्लाई करेंगे उसके साथ आप लेफ्ट कोसेट ले लेंगे एन का. सो एक्स वाई एन और जी फैक्टर एन के का जो बाइनरी ऑपरेशन है उस बाइनरी ऑपरेशन से आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स एन इंटू वाई एन. और आप देख सकते हैं एक्स एन जो है दिस इज ईटा एक्स और वाई एन जो है वो इसी डेफिनेशन से ईटा वाई. सो वी हैव प्रूव्ड दैट ईटा एक्स वाई इज इक्वल टू ईटा एक्स ईटा वाई. देयरफॉर ईटा इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. Secondly, now we have to establish that eta is epimorphism. और epimorphism प्रूव करने का मैंने मेथड आपको बताया हुआ है. हम को डोमेन का कोई एक एलिमेंट ले लेंगे. सो लेट एक्स एन बिलोंग टू जी फैक्टर एन. देन अब हम डोमेन में से कोई एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और वो एलिमेंट यही एक्स आप ले लीजिए. क्योंकि जी फैक्टर एन का जो एलिमेंट आपने लिया है वो एलिमेंट ग्रुप जी के जिस एलिमेंट का कोसेट है वही एलिमेंट आप ले लीजिए. देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट इस एक्स पर अगर आप ईटा अप्लाई करें ईटा एक्स तो इसका रिजल्ट एक्स एन ही आएगा बाई डेफिनेशन इज इक्वल टू एक्स एन. तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि हमें जी फैक्टर एन का कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो हमें ग्रुप जी में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिस पर ईटा का इफेक्ट यही एलिमेंट होगा. तो देयरफॉर ईटा इज एपिमॉर्फिज्म.
एंड नंबर थ्री टू सी दैट कर्नल इज इक्वल टू एन, तो नोट कीजिए कि वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल ऑफ ईटा किसी भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है वो डोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं, डोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट कि इन पर अगर आप होमोमॉर्फिज्म को अप्लाई करें तो जो आप जो है वो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब रिकॉल कीजिए को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एन है, ये बात हमने अभी अभी डिस्कस की है, ईटा एक्स इज इक्वल टू एन एंड दिस इज इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट ईटा एक्स की डेफिनेशन है एक्स एन, एक्स एन इज इक्वल टू एन एंड दिस इज इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट, और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी सब ग्रुप के साथ किसी एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट उसी सब ग्रुप के बराबर हो तो वो एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप को बिलोंग करता है एक्स बिलोंगिंग टू एन। और अब देख लीजिए ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स हैं जो एन को बिलोंग करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू एन। देयरफॉर वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट, वी हैव प्रूव दैट देयरफॉर इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ईटा का कर्नल जो है वो एन ही होगा। तो एन इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि जी फैक्टर एन कोशन ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट भी एन है और इस कैनोनिकल मैप का कर्नल भी एन ही के बराबर है। So we have proved that eta is group homomorphism, eta is epimorphism and kernel of eta is equal to n. And this particular group homomorphism is called canonical map or is a natural map bhi kehte hain. So let's come to an other proposition. So proposition says that let f from g into g dash be a group homomorphism then this group homomorphism f is monomorphism if and only if kernel of f is equal to this particular singleton which consists of identity element. So if kernel of f is equal to the set consisting of identity element only, then this particular group homomorphism is monomorphism. So let's prove that. आप जानते हैं कि this condition says if and only if, पहले आप f को monomorphism suppose कर लेंगे, prove करेंगे कि kernel of f is equal to identity element सेट कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, और फिर आप इसे सपोज कर लेंगे और ये चीज़ आप प्रूव करेंगे। सो फॉर प्रूफ वन वे सपोज दैट एफ इज मोनो, तो हम एफ को मोनो सपोज कर लेते हैं। देन नाउ लेट्स सी व्हाट कर्नल इज, then kernel of f is equal to
बाय डेफिनेशन कर्नल जो है वो ग्रुप जी के या डोमेन वाले ग्रुप के वो एलिमेंट्स होते हैं जिन पर एफ का इफेक्ट जो है वो को डोमेन वाले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। लेकिन अब ये बात नोट कीजिए कि ये होमोमॉर्फिज्म एफ चूँकि मोनो है तो ये किसी एक एलिमेंट के साथ सिर्फ एक एलिमेंट ही असाइन कर सकता है, ये नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट पर जाएं, मतलब ये नहीं हो सकता कि ये दो एलिमेंट्स हैं ये किसी एक एलिमेंट पर जाएं, ये नहीं हो सकता। एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट ही पर जाएगा। और आप जानते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रिजर्व करते हैं, और ग्रुप जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है उसका एफ इमेज ई डैश आता है। तो चूंकि ई का एफ इमेज ई डैश आता है और एफ जो है वो मोनोमॉर्फिज्म है तो किसी और एलिमेंट का एफ इमेज ई डैश नहीं आ सकता, तो ई डैश इमेज जो है ना वो सिर्फ ई ही का आ सकता है। तो देयरफॉर कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस सिंगलटन कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अदर वे राउंड, अब सपोज कर लीजिए कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। नाउ सपोज दैट अब फर्ज कर लीजिए कि कर्नल जो है वो सिंगलटन ई के बराबर है। वी शैल प्रूव दैट एफ इज मोनोमॉर्फिज्म। सो वी शैल प्रूव दैट एफ इज मोनोमॉर्फिज्म। अब मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए मेथड हमने डिस्कस किया है कि हम डोमेन के कोई दो ऐसे एलिमेंट्स ले लेंगे जिन पर एफ का इफेक्ट आपस में बराबर हो। तो फॉर दिस ये बात प्रूव करने के लिए लेट एक्स वाई दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। लेकिन हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे जिन पर एफ का इफेक्ट सेम है और हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, देयरफॉर आप यूँ कीजिए कि दोनों तरफ ये जो एफ वाई है इसके इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऑपरेट कर दीजिए। तो देयरफॉर एफ वाई इनवर्स ऑफ एफ वाई लेफ्ट हैंड साइड पर भी और इनवर्स ऑफ एफ वाई राइट हैंड साइड पर भी। और आप जानते हैं वी कैन डू दिस विद इक्वेशंस एंड देयरफॉर एफ वाई इनवर्स ये आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इनवर्स बिकॉज होमोमॉर्फिजम्स प्रिजर्व इनवर्सेस। So fy inverse is equal to f of y inverse. fx is equal to अब ये fy और fy inverse को आपस में जब कंपोज करेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g dash क्योंकि fy और fy inverse g dash के एलिमेंट्स हैं। एंड therefore अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यूज कीजिए तो वी कैन राइट इट f ऑफ y इनवर्स x इज इक्वल टू ई डैश। अब ये नोट कीजिए कि y इनवर्स x एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर f का इफेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो देयरफॉर ये जो y इनवर्स x एलिमेंट है दिस शुड बिलोंग टू कर्नल, मस्ट बिलोंग टू कर्नल ऑफ f, क्योंकि कर्नल ऑफ f में वही एलिमेंट्स होते हैं जिन पर होमोमॉर्फिज्म का इफेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। एंड देयरफॉर वाई इनवर्स एक्स मस्ट बिलोंग टू, अब देखिए कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू ई। तो अब वाई इनवर्स एक्स बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सेट, तो देयरफॉर वाई इनवर्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई। सो देयरफॉर
एंड देयरफॉर लेट मी शो यू दिस वन वाई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सिंगलटन विच कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली तो देयरफॉर वाई इनवर्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई सो देयरफॉर y inverse x is equal to e and therefore अब आप दोनों तरफ y के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए तो therefore y multiplied with y inverse x is equal to y multiplied with e and therefore अब associative law use कीजिए so y inverse मल्टीप्लाइड विद एक्स इज इक्वल टू वाई और ई को जब ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट वाई आएगा बिकॉज ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड देयरफॉर वाई इनवर्स इज अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट ई एक्स इज इक्वल टू वाई एंड देयरफॉर ई एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया है कि अगर एफ एक्स जो है वो अगर एफ एक्स एफ वाई के बराबर हो तो एक्स जो है वो वाई के बराबर होगा एंड देयरफॉर एफ इज मोनोमॉर्फिज सो द प्रोपोजिशन वी हैव प्रूव्ड दैट सेज दैट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्नल इज आइडेंटिटी एलिमेंट or to be precise, if and only if its kernel is singleton consisting of identity element only. So, this was our proposition. Having done that, this one number 19, we come to number 20. Now we come to a very important theorem of group theory. In fact, we have certain isomorphism theorems. First isomorphism theorem, second isomorphism theorem, and third isomorphism theorem. So let's see what first isomorphism theorem is, and hopefully we will prove this theorem today. So first isomorphism theorem. First isomorphism theorem. Let's see the statement of the theorem. Theorem says that let f from g into g dash, in fact I must say f from g onto g dash be an epimorphism. It is very important to note that this is epimorphism, a group homomorphism which is onto. So let this be an epimorphism, then we have to prove that agar hum is group G ko is homomorphism ke kernel ke saath, kyunki kernel jo hai wo G ka normal subgroup hota hai, to agar hum G ko इस होमोमॉर्फिज्म के कर्नल के साथ या एपीमॉर्फिज्म के कर्नल के साथ फैक्टर करें फैक्टर ग्रुप बनाएं देन दिस फैक्टर ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक विद द ग्रुप इन द कोडोमेन जी डैश सो दिस इज व्हाट थ्योरम सेज सो लेट्स प्रूव दैट कोई दो ग्रुप्स को आपस में आइसोमॉर्फिक प्रूव करना हो तो हमने ये बात पहले डिस्कस की है कि हमें इन दोनों के दरमियान एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश करना पड़ता है जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो ऐसा अगर आप कर लें तो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं सो लेट्स डू दैट हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सो वी डिफाइन इस फंक्शन को हम फाई कह लेते हैं वी डिफाइन अ फंक्शन फाई फ्राम g factor
कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ ज़रा बड़ी सी फ्रेज है तो हम इसको के लिख लेते हैं, फ्रॉम जी फैक्टर के टू जी डैश। और ये हम यूँ डिफाइन करते हैं कि बाय के इस फंक्शन फाई को हम जी फैक्टर के किसी भी एलिमेंट पर, और जी फैक्टर के एलिमेंट्स आप जानते हैं लेफ्ट कोसेट से एक्स के, तो किसी भी लेफ्ट कोसेट पर हम अप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो है वो होगा लेफ्ट कोसेट जिस एलिमेंट के साथ आपने ये लेफ्ट कोसेट लिया है एक्स, उसी एलिमेंट एक्स को आप जानते हैं ये एलिमेंट एक्स जो है ये ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो इस पर आप एफ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एक्स पर आप एफ अप्लाई कर लीजिए, तो दिस इज़ आवर डेफिनेशन ऑफ फाई एक्स के। फाई का इस लेफ्ट कोसेट पर इफेक्ट होगा, आप लेफ्ट कोसेट ग्रुप के जिस एलिमेंट से बना हुआ है उस एलिमेंट पर फंक्शन या होमोमॉर्फिज्म या एपिमॉर्फिज्म एफ अप्लाई कर दीजिए। सो फाई एक्स के इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फाई विच वी आर गोइंग टू प्रूव एज आइसोमॉर्फिज्म। सो हैविंग डन दैट, हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि वी मस्ट प्रूव दैट दिस फंक्शन फाई इज़ वेल डिफाइंड। लेकिन इससे पहले हम ये बात नोट कर लेते हैं कि वेयर हमने ये सिंबल के जो है ना ये हमने इस्तेमाल किया है कर्नल ऑफ एफ के लिए, ज़रा बात को सिंपल रखने के लिए। और कर्नल ऑफ एफ आप जानते हैं कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप जी को बिलोंग करने वाले जिन पर होमोमॉर्फिज्म एफ का इफेक्ट जो है वो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सो ये दिस के वी हैव रिटन के फॉर कर्नल ऑफ एफ। सो हैविंग सेड दैट, सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि दिस फंक्शन फाई जो हमने डिफाइन की है दिस इज़ वेल डिफाइंड। ये बात नोट कर लीजिए कि जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ कोसेट्स होती है या इक्विलेंस क्लासेस का सेट होती है, तो हमें ये स्टेप करना पड़ता है कि वो फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। सो लेट्स नोट हाउ वी डू दैट। सो वी विल प्रूव दैट फाई इज़ वेल डिफाइंड। We must establish that phi is well defined. और well defined establish करने का एक सिंपल सा तरीका होता है और वो इस तरह से है कि हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जो आपस में बराबर हों और प्रूव करते हैं कि उन दोनों एलिमेंट्स पर जो फंक्शन आपने डिफाइन की है उस फंक्शन का इफ़ेक्ट भी बराबर होगा। सो आप कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए, लेट एक तो आप एक्स के ले लें और एक आप वाई के ले लीजिए एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं डोमेन को जी फैक्टर के को। और सच दैट ये हम दो एलिमेंट्स ऐसे ले रहे हैं जो आपस में बराबर हैं। आप जानते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कोसेट्स जो है ना वो आपस में बराबर हो सकते हैं, ये बातें हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो हमने कोई दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स के और वाई के सच दैट कि एक्स के जो है वो वाई के बराबर हो, देन अब इसमें ये बात नोट कीजिए कि वाई के का स्ट्रक्चर ज़रा आपने ज़हन में लाइए। वाई के माने ये हैं कि आप इस सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को वाई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। के चूँकि सब ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी इक्वल टू वाई। तो ये जो वाई के है इसके अंदर वाई मौजूद होगा।
अब ये वाई के चूँकि एक्स के एक बराबर है और एक्स के एलिमेंट्स आप जानते हैं, इनका स्ट्रक्चर यूँ है कि एक्स मल्टीप्लाइड विद एन एलिमेंट ऑफ के, तो ये दोनों चूँकि आपस में बराबर हैं तो फिर वाई एलिमेंट जो है इसे बराबर होना चाहिए एक्स मल्टीप्लाइड विद एन एलिमेंट ऑफ के। लेट्स से दैट एलिमेंट एज यू, वेयर यू बिलोंग्स टू, वेयर यू बिलोंग्स टू के। नाउ हम इस फंक्शन को जो हमने डिफाइन की है, इस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं y के पर। नाउ f फाइव वाई के इज इक्वल टू, अब फंक्शन फाइव जो हमने डिफाइन की है वो ये है कि इसका इफ़ेक्ट ये है कि ये कोसेट ग्रुप g के जिस एलिमेंट के साथ भी ये कोसेट बनता है उस एलिमेंट पर आप f अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू एफ वाई, दिस आवर डेफिनेशन ऑफ फाइव एंड दिस इज इक्वल टू f, y इज इक्वल टू एक्स यू एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एफ यू बिकॉज एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स यू, चूँकि कर्नल का एलिमेंट है इसलिए u पर जब आप f अप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा g डैश का। एंड दिस इज इक्वल टू, जब आप एफ एक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू फाइव एक्स के, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स के एंड दिस इज इक्वल टू फाइव एक्स के। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि देयरफॉर फाइव का वाई के पर इफेक्ट वही आता है जो कि फाई का एक्स के पर इफेक्ट आता है। तो इस्टेब्लिश हमने ये किया है कि अगर दो कोसेट्स आपस में बराबर हों, अगर दो कोसेट्स आपस में बराबर हों तो उन दोनों पर फाई का इफेक्ट भी आपस में बराबर होगा, तो देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड। सो हमने एक स्टेप कर लिया है कि जो फंक्शन हमने डिफाइन की थी उसे हमने वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट वी मस्ट इस्टेब्लिश दैट फाइ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नाउ वी शैल प्रूव दैट फाइ जो के जी फैक्टर के से लेकर जी डैश तक फंक्शन है, नाउ वी शैल प्रूव दैट फाई इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आप जानते हैं कि हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो लेट एक एलिमेंट आप ले लीजिए एक्स के और एक एलिमेंट आप ले लीजिए वाई के, बिलोंग टू जी फैक्टर के, इस क्वेश्चन ग्रुप के कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए। देन अब हम यूँ करेंगे कि एक्स के को और वाई के को जो भी बाइनरी ऑपरेशन है जी फैक्टर के का वो आप जानते हैं, उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत आपस में कंपोज कर लेंगे। हम मल्टीप्लाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो देन इन दोनों का आपस में कंपोज करने के बाद इस प्रोडक्ट पर हम फाइ को अप्लाई करते हैं, फाइ दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू फाइ। अब आप नोट कीजिए कि दो कोसेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने डिफाइन कर रखा है, दिस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ फिर हम लेफ्ट कोसेट ले लेंगे, सो एक्स वाई के। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन कोशेंट ग्रुप जी फैक्टर के एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसे नोट कीजिए कि फाई का इस पर इफेक्ट ये होगा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई,
दिस सब डेफिनेशन ऑफ आई। अब एफ चूंकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई एंड दिस इज इक्वल टू, अब एफ एक्स आप जानते हैं ये बराबर है फाई एक्स के और एफ वाई आप जानते हैं दिस इज फाई वाई के। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि फाई एक्स के कंपोज विद वाई के इज इक्वल टू फाई एक्स के कंपोज विद फाई वाई के और फाई एक्स के इंटू वाई के इज इक्वल टू फाई एक्स के इंटू फाई वाई के, तो देयरफॉर फाई इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो हमने फाई को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया है। हमने प्रूव करना है कि फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, सो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के बाद अब हम प्रूव करेंगे कि फाई इज मोनोमॉर्फिज्म एंड फाई इज एपीमॉर्फिज्म, फाई इज वन टू वन एंड फाई इज ऑन टू। सो सो नाउ वी शैल प्रूव दैट no we shall prove that phi is monomorphism or one to one, और monomorphism या one to one प्रूव करने के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम डोमेन के कोई दो ऐसे एलिमेंट्स ले लेते हैं जिन पर फाई का इफेक्ट बराबर हो और प्रूव करते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हैं। सो हम जी फैक्टर के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जिन पर फाई का इफेक्ट आपस में बराबर हो। सो लेट एक्स के y k belong to g factor k such that, तो डोमेन के कोई दो ऐसे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं जिन पर phi का इफेक्ट आपस में बराबर हो, such that phi x k is equal to phi y k। हमने कोई दो एलिमेंट्स ले लिए x k और y k इस तरह से कि इन पर फाई का इफेक्ट आपस में बराबर हो। हम प्रूव करेंगे कि एक्स के और वाई के भी आपस में बराबर हैं। देन अब ये फाई एक्स के इज एफ एक्स एंड फाई वाई के इज एफ वाई बाय डेफिनेशन। अब आप दोनों तरफ एफ वाई के इनवर्स के साथ ऑपरेट कर दीजिए। सो एफ वाई इनवर्स, पहले भी हमने ऐसा किया था एक थ्योरम में, एफ वाई इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इनवर्स एफ वाई एंड देयरफॉर एफ वाई इनवर्स इज एफ ऑफ वाई इनवर्स बिकॉज होमोमॉर्फिज्म्स प्रिजर्व इनवर्सेस एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ वाई इनवर्स and fy together will give identity element and this is equal to e dash identity element of group g dash and therefore by using definition of group homomorphism this can be written as f of y inverse x is equal to e dash and therefore एफ ऑफ वाई इनवर्स एक्स चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आता है और देयरफॉर वाई इनवर्स एक्स जो है ना दिस मस्ट बिलोंग टू कर्नल। कर्नल में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एफ इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इसका चूँकि एफ इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट आता है देयरफॉर वाई इनवर्स एक्स मस्ट बिलोंग टू कर्नल। और ये बात हम जानते हैं कि जब किसी सब ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ उस सब ग्रुप का लेफ्ट कोसर लिया जाता है तो वही सब ग्रुप जवाब आता है, तो देयरफॉर वाई इनवर्स एक्स के साथ जब हम
का लेफ्ट कोसेट लेंगे तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू के। अब आप दोनों तरफ वाई के साथ ऑपरेट करें, लेकिन आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इधर ये वाई इनवर्स है, यू कैन टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड एज वाई, एंड देयरफॉर एक्स के इज इक्वल टू वाई के। ये डायरेक्ट स्टेप करने में सिर्फ एक चीज़ की एहतियात करनी होती है कि वाई इनवर्स चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है तो इधर जाकर भी आप इसे के की लेफ्ट हैंड साइड ही पर लिखेंगे। एनीवे देयरफॉर अब देखिए हमने फिर प्रूव कर दिया है कि अगर फाई एक्स के फाई वाई के बराबर हो तो फिर एक्स के जो है वो वाई के बराबर होगा। तो देयरफॉर फाई इज मोनोमॉर्फिज्म। तो हमने फाई को मोनोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया है। नाउ वी शैल प्रूव दैट फाई इज एपिमॉर्फिज्म। नाउ वी विल प्रूव दैट फाई इज एपिमॉर्फिज्म आर ऑनटू। और एपिमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आप को डोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं और प्रूव करते हैं कि डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका फाई इमेज उसी एलिमेंट के बराबर आता है। सो लेट्स टेक एन एलिमेंट फ्रॉम द को डोमेन। लेट फॉर दिस लेट मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ये जो मॉर्फिज्म फाई है ये जी फैक्टर के से लेकर जी डैश तक है। इसे एपिमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आप जी डैश का एक एलिमेंट ले लेंगे और प्रूव करेंगे कि जी फैक्टर के में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका फाई इमेज वही एलिमेंट आता है। सो फॉर दिस लेट हम जी डैश का वो एलिमेंट हम ए ले लेते हैं। लेट ए बिलोंग टू जी डैश। लेकिन ये बात नोट कीजिए कि हमें थ्योरम में ये बात दी गई है कि ये फंक्शन एफ जो है फ्रॉम जी टू जी डैश ये एपिमॉर्फिज्म है। तो अगर जी डैश का कोई एलिमेंट आपको दे दिया जाए तो जी में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए जिसका एफ इमेज जी डैश का वही एलिमेंट हो। सो लेट्स नो दैट बट वी नो दैट ये फंक्शन फाई ये होमोमॉर्फिज्म फाई जो है ना फ्राम जी इंटू जी डैश जो कि हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में दिया गया है इज एपिमॉर्फिज्म। ये एपिमॉर्फिज्म है देयरफॉर। तो ये चूंकि एपिमॉर्फिज्म गिवन है और ए जो है ये जी डैश को बिलोंग करता है देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एलिमेंट आपको एक्स जी का ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि इस एलिमेंट एक्स का एफ इमेज जो है वो ए डैश आए सॉरी ए आए नॉट ए डैश इज ए। तो कोई ना कोई एलिमेंट आपको जी का ऐसा ज़रूर मिलेगा एक्स जिसका एफ इमेज जो है वो ए आए। सो सो वी मस्ट हैव एन एलिमेंट x इन g सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए। अभी यही एलिमेंट x जो हमें g में मिल रहा है ना इसी एलिमेंट x के साथ आप k का लेफ्ट कोसेट ले लीजिए। सो देन देयर एग्जिस्ट इसी एलिमेंट x के साथ आप k का लेफ्ट कोसेट लीजिए और ये फिर बिलोंग करेगा जी फैक्टर के को सच दैट कि इस एक्स के पर जब आप फाई अप्लाई करें फाई एक्स के तो ये रिजल्ट आ जाएगा एफ एक्स
और हमने अभी अभी लिखा है कि एफ एक्स जो है वो ए के बराबर है। तो अब देखिए, हमने ए एक एलिमेंट लिया जी डैश का और हमने जी फैक्टर के में एक कोसेट ऐसा तलाश कर लिया जिस पर फाई का इफेक्ट ए आता है, तो देयरफॉर फाई इज एपिमॉर्फिज्म, देयरफॉर फाई इज एपिमॉर्फिज्म। अब हम सम अप करते हैं कि हमने क्या कुछ इस्टेब्लिश किया है। सो वी हैव इस्टेब्लिश्ड दैट हमने एक फंक्शन फाई डिफाइन की थी जी फैक्टर के से लेकर जी डैश तक, और हमने ये बात प्रूव कर दी है कि फाइज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, फाइज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। फिर हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि फाइज मोनोमॉर्फिज्म, और फिर हमने ये बात भी इस्टेब्लिश कर दी है कि फाई इज एपिमॉर्फिज्म। ये आखिरी स्टेप जो हमने किया था, फाई इज एपिमॉर्फिज्म। और अब अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म भी हो और एपिमॉर्फिज्म भी हो तो वो फिर आइसोमॉर्फिज्म होता है, तो देयरफॉर फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। और अगर आप कोई दो ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश कर दें तो वो दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो देयरफॉर जी फैक्टर के इज आइसोमॉर्फिक विद जी डैश, क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश कर दिया है।